आज हम आपको बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे यूज़ करनी है। ये हमारे सामने सेंट्रीफ्यूज है, इसकी हमने अनबॉक्सिंग करी है। ये देखिए, इसका ढक्कन है जिसे हम लीड बोलते हैं, जिसे हमें टाइट करना होता है। अभी हम इसको लूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमें ट्यूब लगानी है। ये एक्रेलिक का इसका ढक्कन होता हैवी क्वालिटी का बना हुआ है, अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ है। ये इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसका लाइट इंडिकेटर है, ये इसका लाइट इंडिकेटर है, और साथ में यहाँ पर इसके वैक्यूम फीड्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये आपके वैक्यूम फीड्स दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर रख देंगे आराम से, जिसकी वजह से इसका ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये जब चलेगी तो वाइब्रेशन नहीं होगी या आगे पीछे नहीं होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। ये 8 ट्यूब्स की मशीन है, आपको इसको इक्वल पोजीशन में लगाना है। मान के चलिए कि आपके पास 4 सैंपल है, तो आपको किस फॉर्म में इसको लगाना है। आप एक सैंपल यहाँ लगाएंगे अपना सामने, दूसरा सैंपल इसके आप सामने, बिल्कुल ठीक सामने लगाएंगे। आपको इसके साथ नहीं लगाना है। अगर आपके पास 4 सैंपल है, अगर आपके पास 8 सैंपल नहीं है, तो आप इक्वली लगाएंगे इसके सामने और इसके सामने, तीसरा सैंपल इसके यहाँ पर और तीसरा उसके बाद चौथा सैंपल के सामने, बिल्कुल ये इक्वली हो गया, बिल्कुल जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस टाइप से पहला सैंपल यहाँ लगेगा, सेकंड सैंपल यहाँ लगेगा, उसके बाद ये सैंपल यहाँ पर, दूसरा सैंपल यहाँ पर, आमने सामने रहेगा सैंपल, ठीक है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा कैसे आपको चलाना है। ये देखिए, ये सैंपल लग चुके हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से साफ करके, इसको पकड़ के, ठीक है, इसको अच्छे से, ये ट्यूब गई नहीं अंदर, इसको ट्यूब अंदर चले अंदर कर देंगे। ये देखिए, ट्यूब्स को अच्छे से फिट करना है। यहाँ पर चारों ट्यूब अच्छे से फिट हो चुकी है। ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ये आपके सामने, ये इसका लाइट इंडिकेटर है। ये देखिए, ये रहा लाइट इंडिकेटर इसका, ये इसका लेबल वगैरह है जो मशीन के बारे में लिखा होता है, जिसके बारे में। ये देखिए, अब मैं आपको मशीन को चला के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ढक्कन हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे, इसमें हमारा ढक्कन बंद हो चुका है। इसके बाद हम मशीन को ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा मशीन है, हमारा सैंपल रेडी है। अब हम इसको चालू कर रहे हैं। ये हमारा 5 स्पीड है, ये हमारी 1st स्पीड है, ये हमारी फर्स्ट स्पीड है। सेकंड, ये सेकंड स्पीड हो गई है हमारी। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये 9 है। अब इसको 3rd पे कर देते हैं। 3rd पे करने के बाद हम इसको 4th पे कर देते हैं। 4th पे करने के बाद ये 5th पे कर देते हैं। ये मशीन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है इस टाइम अपने। देखिए सैंपल, देखिए सैंपल अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो रहा है। देखिए आप सैंपल देख भी पा रहे होंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं। आप देखेंगे कि आपका सैंपल अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। उसके बाद आप इसको खोल कर निकाल लेंगे। थैंक यू।